देखें जो आपने मेरे को पूछा अभी इस बारे में मेरे को अभी इतला मिली है कि कल यहाँ भद्रवा में अपने फारूक़ ख़ान साहब जो हैं एडवाइज़र हैं गवर्नर साहब के उनकी कहीं विजिट थी यहाँ और उनकी विज़िट के पहले यहाँ कुल्छाड़ी के गाँव में जो हमारा मेन हाईवे पे पड़ता है कुल्छाड़ी गाँव तो लोग अपनी मांग लेकर वहाँ उनके पास आए थे कि हमारी सड़क का यहाँ है सड़क को कनेक्ट किया जाए कुल गांव से जो हार्डली किलोमीटर आधा किलोमीटर का डिस्टेंस है मुझे याद है कि हमने 2009 में वहाँ नीरू ब्रिज पे पुल रखा था जो उस एरिया को कनेक्ट करता था अब उस चूँकि हमने ब्रिज तो बनवा लिया ब्रिज के आगे जो ऑनवर्ड जो है वो अभी कुछ नहीं हो पाया छः सात साल में कुछ भी नहीं हो पाया तो उस वजह से लोगों ने अपना प्रोटेस्ट रखा मुझे मैं समझता हूँ कि प्रोटेस्ट उन्होंने जायज़ रखा उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि हम उसको कहें कि नहीं जी उन्होंने नाजायज तौर पर कोई वायलेशन की है किसी भी रूल्स और रेगुलेशंस की जो आज की डेट में यहाँ एप्लीकेबल हैं गवर्न अगर वो एल साहब आए हैं एल साहब के एडवाइज़र साहब यहाँ आए तशरीफ़ तो लाए थे तो लोगों का हक़ बनता है अपने ग्रीवेंसेज उनको बताने के अदरवाइज़ उनके आने का क्या फ़ायदा है अदरवाइज़ तो मैंने समझता हूँ कि उनको यहाँ विजिट सरकारी मशीनरी को इतना दौड़ाया है इतने लोगों को दौड़ाया है इतने इतना खर्चा किया है सरकार पर बोझ डाला है अगर उनको कुछ ये चीज़ें करवानी थी यहाँ अब कि उन जो पीसफुल पोजिशन ये आ, प्रोटेस्ट कर रहे थे और उस जायज़ प्रो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमारे एरिया को कनेक्ट किया जाए और उसमें लेडीज़ जेंट्स बीस हमें मैंने वो देखे हैं उनका इस पर नेट नेट पर देखा था मैंने इनके जो विजुअल्स डाले हैं कुछ स्नैप्स देखे थे तो उसमें तो मुझे लगता है कि जितने लोग नहीं थे प्रोटेस्ट करने वाले उससे ज़्यादा तो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो इनकी सिक्योरिटी के लोग सारे थे तो अगर तो उस उस तौर को देखते हैं कि नहीं जी वहाँ कोई ऑलरेडी जो रूल्स रेगुलेशंस की वायलेशन हुई है कोई डिज़ास्टर मैनेज की वायलेशन हुई है या एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट का जो आजकल पावर है इनको वेस्ट करता है उसकी तो मैं समझता तो हूँ कि नाजायज़ है जमहूरीत ये है नहीं एडमिनिस्ट्रेशन को हक़ देती कि वो लोगों को प्रोटेस्ट करने से अपनी जायज मांग करने से रोका जाए ये नाजायज़ है सरासर नाजायज़ है सरासर नाानसाफी है मैं कन्डेम करता हूँ और हुकूमत से मांग करता हूँ एलजी साहब से मांग करता हूँ अपने डीजीपी अपने उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसमें इंटरवीन कीजिएगा ये नहीं है कि हमारे जो एडवाइज़र साहब यहाँ तशरीफ़ लाए थे उनके पुल्स प्रेशर में आके लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इनके खिलाफ एफ लगाए या इनको जो लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको ह्रास किया जाए उनको परेशान किया जाए मेरी तो ये मांग रहेगी कि फ़ौरी तौर पर एलजी साहब पर्सनली इसमें इंटरविन करें हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब एक अच्छा जहन रखते हैं वो इंटरव्यून करें और हमारे डायरेक्टर जनरल साहब इंटरव्यून करें इसमें इसमें से डिविजनल कमिश्नर साहब भी आईजी साहब भी हैं लोकल डिप्टी दि, कमिश्नर डोडा हैं एस एस पी डोडा है इनको इंटरविन करना चाहिए इस तरीके से तो यहाँ आदमी बात करने के काबुल नहीं है जो ये पुलिस प्रेशर बनाए जा रहे हैं कि यहाँ अपनी मांग को भी ले कर लोग नहीं चल सकते मेरी इनसे दरख्वास्त रहेगी अपील रहेगी कि आप इंटरविन करें और इस जो एफ आई आर हमारे कुछ चार लोगों चार लोग जो उसमें नुमाइंदे हैं पी आर आई इसके और उसके साथ पब्लिक के कुछ आठ दस लोगों के खिलाफ एफ आई आर जो लगी हुई है उसको फौरी तौर पर विड्रा किया जाए ताकि यहाँ एक माहौल जो पीसफुल माहौल थोड़ा सा हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं सारे मिलकर कि यहाँ पीसफुल एटमॉस्फेयर बना रहे बावजूद कि यहाँ बेकारी है अनएम्प्लॉयमेंट है फिर भी हम कह रहे हैं कि यहाँ का हाल माहौल और यहाँ अमन भाईचारा बना रहे अगर हकूमती सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन अपने एडवाइज़र साहब के कहने पर ये यहाँ वो कुल पुल प्रेशर अपना लगाना चाहते हैं कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को प्रेशर लगाया जाए कि वो एफ लगाए तो हम इस मैं इस चीज़ को कंडेम करता हूँ स्ट्रांगली वर्ल्ड में कंटेम करता हूँ उनको एडवाइज़र साहब को यहाँ भद्रवाह तशरीफ़ क्यों लाए वो किस लिए आए थे वो लोगों को सुनने के लिए आए थे कि लोगों को परेशान करने के लिए आए थे तो इस इस तौर पर तो मैं अपने जो मेरा अपने ताती ओपिनियन है वो यही है कि सरकार को फौरी तौर पर ये इसको विड्रा करना चाहिए और जो ये एजिटेटिंग प्रोटेस्टर्स जो हैं हमारे इनसे बातचीत करनी चाहिए बातचीत का माहौल करना चाहिए यहाँ को एमरजेंसी तो है नहीं कि लोगों को बात करने का हक नहीं है अपने फेलियर को अपने नाकामयाबी को एडवाइज़र साहब हों या उनके और कोई आगे हों उनको छुपाने के लिए तो ये बर्दाश्त नहीं होगा कि यहाँ के इनोसेंट लोगों को इनोसेंट प्रोटेस्टर्स पर को आप जिसको कहते हैं कि ज़बरदस्ती एफ आई आर थोप कर उनको दवा उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाए हम स्ट्रांगली वर्डेड में इस चीज़ को जो है इसको कंडेम करते हैं देखें आउटपुट दिखने में तो कुछ नहीं मिला हमने भी पिछली दफ़ा इनके पास रिप्रेजेंट किया था कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट आपके पास है यहाँ स्टेडियम है कुछ हमने यूनिवर्सिटी कैंपस में स्टेडियम को कुछ बनवाया है हमने यहाँ इंडोर और आउटडोर स्टेडियम की हमने मांग की थी तो इन्होंने कोई हमारी मांग पर तोज्जा मुझे लगता नहीं है कि कोई अभी मिली है तो यहाँ अगर वो भी नहीं हुआ बाकी एक चीज़ में जरूर कहूँगा कि सरकार एक तरफ कहती है कि एस हैं वॉलीशन है वन की वन हमारा यहाँ एक पैनल कोड में एक सेक्शन है कि अगर कोई भी आर्डर इशू हुआ हो लाल फोर आर्डर की वायलेशन हो तो उसमें वन एट एट लगाया जाता है तो मैं समझता हूँ कि वन एट एट की वायलेशन तो डाग बंगले में एडवाइज़र साहब के पास खुद हुई है अगर आप विजुअल्स देखें एम, अवेलेबल हैं तो उनको देखें कि वहाँ किस कदर कोई एस का ध्यान नहीं रखा गया है वहाँ तो मैं समझता हूँ कि एक वायलेशन जो ये प्रोटेस्टर पर ये वायलेशन की जम्वारी आयद कर रहे हैं ये आयद तो यहाँ इनके पर भी कारंदों पर भी होती है जिन लोगों ने ये अरेंज किया था यहाँ